जब हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो कंटेंट बिल्डअप हमें करना होता है। तो कंटेंट बिल्डअप करने के लिए कंटेंट कहाँ से लेकर आए? कुछ कंटेंट तो आपको अपने नोट्स से, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो पढ़ते हैं उससे मिल जाता है। मगर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा ही आपको रिसर्च करना पड़ता है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, एक पर्टिकुलर मैगजीन से आप लोगों को नहीं मिलता है। वो सफाइस कंटेंट जो होता है ना, सफिशिएंट कंटेंट, वो नहीं मिलता है। तो अभी के सेशन में हम यही देखेंगे, समझने की कोशिश, सीखने की कोशिश करेंगे कैसे सर्च करना चाहिए, गूगल सर्च कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन था, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। एक ये क्वेश्चन, हालांकि ये तो आसान है, मगर इसका गूगल सर्च करना आसान है स्टूडेंट्स। कुछ कुछ क्वेश्चन है, द कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज, अब इसका भी गूगल सर्च करना आसान है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका गूगल सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कैसे सर्च करे वो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही चीज हमें अभी देखनी है। तो मैं इस बार जो क्वेश्चन लूंगी वो ये वाला लूंगी, ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस। ठीक है, इसमें कैसे हम सर्च करेंगे, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। हालांकि गूगल में आपको सब कुछ मिल जाता है, मगर आपको आपके जब भी हम कंटेंट, इस तरह का फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आता है, ठीक है, तो आपको खुद पहले पता होना चाहिए कि आप किसके फेवर में हो। ठीक है, जैसे मैंने जो ऐसे क्वेश्चन दिया था आपको, राइटिंग सेक्शन की बुक मिलेगी तो आपको वो क्वेश्चन मिलेगा कि रिलीजन और साइंस में कंफ्लिक्ट है, फाइन। तो मेरा जो इंक्लिनेशन है, इट इज टुवर्ड्स रिलीजन, मेरा इंक्लिनेशन इज नॉट टुवर्ड्स साइंस। तो मेरा जो एस्से होगा, जो मैं एस्से लिखूंगी, वो रिलीजन के फेवर में ही लिखूंगी, ठीक है। और अगर आप साइंस के फेवर में बोलोगे तो आपका क्वेश्चन, आपका जो एसे का कंटेंट है ना, वैसे ही आएगा। तो सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपका खुद का ओपिनियन क्या है इस चीज के बारे में। कभी कभी हमें नहीं पता होता है, तो जैसे जब मैं आपके एज में थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं रिलीजन को फेवर करती हूँ कि मैं साइंस को फेवर, नहीं पता है। मगर जब जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है, तो हम हमारा ओपिनियन ना क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नहीं मुझे ना साइंस में ये चीज नहीं पसंद है। साइंस कंफर्ट देता है जरूर, मगर साइंस हमें बहुत कुछ ऐसी चीज है जो हमें नहीं समझा पाता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज है। अब देखो, बेसिकली इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपके आंसर स्क्रिप्ट से आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। जैसे अगर मेरा आप कंटेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, कि ये जो है ये रिलीजन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, फिलोसफी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, साइंस की तरफ नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ना ऐसे में आपको अपना ओपिनियन देना तो बहुत जरूरी होता है, फाइन। अब ये है, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी। अब मुझे इसको सर्च करना है, मुझे नहीं तो, अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो सर्च करने का जो तरीका होता है वो आप लोगों को, कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी, एक सेकेंड रुकिए। ये गूगल दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरा है ना कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं एक काम करती हूँ, कीबोर्ड नया वाला ले लेती हूँ, उसको मैं, तो
अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम आपने जो क्वेश्चन दिया है उसका मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स हमें ऐसे बोलते हैं कि मैम जो कंटेंट दिया है, क्वेश्चन दिया, उसका कंटेंट नहीं मिल रहा, कैसे सर्च करते। तो एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो सर्च करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं, रिपोर्ट या आर्गूमेंट, पहले आपका खुद का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन का एक एक जो वर्ड है उसका मतलब पता होना चाहिए। तो ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, तो ईस्टर्न विजडम मैंने लिखा, ठीक है, ईस्टर्न विजडम लिखा सबसे पहले। पूरा ऐसे क्वेश्चन कभी मत लिखना, और है ना तुरंत ओपन मत करो, इससे टाइम वेस्ट आपका होगा। ईस्टर्न फिलोसफी और एशियन इंक्लूड वेरियस फिलोसफी दैट ओरिजिनेटेड इन ईस्ट एंड साउथ एशिया, ठीक है, यहीं से पढ़ना शुरू करो। सिक्स आइडियाज फ्रॉम ईस्टर्न फिलोसफी हैज ऑलवेज बीन सिमिलर गोल टू वेस्टर्न फिलोसफी, मेकिंग अस वाइजर, लेस एजिटेटेड, मोर थॉटफुल, ठीक है। स्पिरिट ऑफ ईस्टर्न विजडम, सदगुरुज, ना 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 हटाओ, मुझे नहीं पसंद है ना, तो मेरा अपना जो प्रेजुडिस है ना, तो वो इसमें आ जाता है सर्च में भी, आपका खुद का प्रेजुडिस। अब किसी को सदगुरु पसंद है तो तुरंत ओपन करेंगे, तो करो ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ईस्टर्न विजडम इलस्ट्रेटेड गाइड टू, ये बुक है तो कोई मतलब नहीं है खोलने का, कुछ मिलेगा नहीं हमें। क्लासिकल ईस्टर्न, बट अनलाइक ग्रीक विच वाज ईस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न विजडम फॉर वेस्टर्न माइंड मॉडल इज हॉस्पिटैलिटी एज अ वे फॉर क्रिश्चियन टू एनरिच देयर। ईस्टर्न विजडम स्टॉक इमेजेस, तो इमेजेस हमें चाहिए नहीं, तो कुछ कोई खास हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ईस्टर्न विजडम और एशिया कर दिया मैंने, क्योंकि ईस्टर्न विजडम का मतलब ईस्ट से कनेक्टेड है, तो मैंने एशिया कर दिया। अब जैसे मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है, अगर आप गलत स्पेलिंग भी लिखते हैं ना, गूगल ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैम्बू सिविलाइजेशन, ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ईस्टर्न विजडम एंड मॉडर्न लाइफ, एंड सो दिस लेड टू वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन एशिया अमंग हिंदूज, अमंग बुद्धिस्ट, अमंग ताई। अब देखो मुझे ईस्टर्न विजडम मिल गया, ये रहा। तो ईस्टर्न विजडम जब हम लिखते हैं तो क्या ये कनेक्टेड है रिलीजन से? अगर ये भी नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा? तो ईस्टर्न विजडम क्या है? ईस्टर्न रिलीजन है, जो हिंदू हो सकते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म, ये सारे ईस्टर्न रिलीजन वाला, ईस्टर्न विजडम वाला रिलीजन है। गॉट इट? ये चीज मुझे, तो ये चीज, ये क्लैरिटी हुई, यानी मुझे ईस्टर्न विजडम का मतलब मुझे इस रिलीजन के बारे में बात करनी है, यानी अगर ये रिलीजन जुड़ेगा वेस्टर्न साइंस से। मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रही हूँ, अभी मैं कंटेंट में नहीं जा रही, आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया, अभी मैं ज्यादा इसमें जाऊंगी नहीं, अब मैं जा रही हूँ वेस्टर्न साइंस में। मैंने वेस्टर्न साइंस लिख दिया, ठीक है। वेस्टर्न साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव, तो मुझे कुछ खास इसमें समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, थोड़ा अच्छा सा देखो भाई। इज डिफाइंड एज साइंटिफिक इंक्वायरी डन इन ग्रीक, लैटिन और अरेबिक, ये भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न, थ्री स्टेज मॉडल, बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, साइंस एट वेस्टर्न, वेस्टर्न साइंस स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न इन इंडिया, बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ खास नहीं लग रहा है। तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बट वेस्टर्न साइंस फाइनली, डबल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट कंसर्निंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज बाय प्रैक्टिशनर्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज हो सकता है ईस्टर्न विजडम से कनेक्टेड हो, रिलीजन से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लूंगी, इसको मैंने ओपन कर, अभी मैं देखूंगी नहीं, क्योंकि अभी मुझे वेस्टर्न साइंस का मतलब नहीं पता है। अब मैं साइंस में आ रही हूँ, क्योंकि वेस्टर्न साइंस मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं साइंस में आ रही हूँ, और साइंस का मैं मीनिंग पे आ गई कि साइंस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। तो साइंस क्या होता है? ऑब्जर्व करना, जो चीज हमने ऑब्जर्व की, अच्छा सूरज उगता है, ठीक है, अब उसको एक्सपेरिमेंट करना, फाइन, चलो सूरज को तो हटा दो, अच्छा जैसे एप्पल गिर रहा है, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन हो सकते हैं ग्रेविटी की वजह से, फाइन, तो फिर उस पर थ्योरी हो जाती है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन,
तो साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर थ्योरी को टेस्ट किया जाता है, फिर जाके आपका कंक्लूजन निकलता है. तो ये है साइंस. फाइन, इट्स अ नॉलेज और अ सिस्टम ऑफ नॉलेज कवरिंग जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ. कुछ नहीं समझ में आया, सच में नहीं समझ आया. क्योंकि ये चीज समझ में आ रही है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज ऑब्जर्व करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं लैबोरेटरी में, फिर उसको टेस्ट करते हैं, और फिर जो भी एविडेंस हमारा ऑप्टेन होता है उससे वो फिर वो एक साइंस का बाय प्रोडक्ट बन जाता है. फाइन, ये चीज समझ में आ रही है. अ सिस्टमैटिक स्टडी बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, ये भी एक अच्छा है कि नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हम साइंस की मदद लेते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन होता है. फाइन, मुझे साइंस का मतलब समझ में आ गया. अब मुझे रिलीजन का मतलब समझना है. अब मैं रिलीजन का मतलब समझ रही हूँ. सुपर ह्यूमन पावर, पावर स्पेशली गॉड. यानी रिलीजन का मतलब क्या होता है? गॉड, एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड, दैट इज रिलीजन. फाइन, बेसिकली रिलीजन का मतलब होता है टू लव गॉड, टू सर्व गॉड, और लव करना गॉड से, उसको उनको सर्व करना के मतलब कैसे लव करे, कैसे सर्व करे, तो वो जो तरीका है ना वो रिलीजन है. तो प्यार करते हैं इसीलिए भगवान के लिए कितने भजन बने हुए हैं, ओम जय जगदीश हरे, संस्कृत में कितने वैष्णव सॉन्ग्स बने हैं. तो वो प्यार जताता है भगवान के लिए, भगवान को हम उस भजन से ग्लोरीफाई करते हैं. ठीक है, सर्व कैसे करे भगवान को, हम लोग जो भी बनाते हैं अगर हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो हम भगवान को सर्व कर रहे हैं. भगवान जैसे घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनको मिलाते हैं, ये सब तो सर्व करना. फाइन, तो रिलीजन का मतलब समझ में आ गया, साइंस का मतलब समझ में आ गया. ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे, सिंथेसिस. इसमें एक और वर्ड दिया है, वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों से. लिखा हुआ है नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, ये है. अभी मैं सिंथेसिस पे नहीं आ रही, उस पे आ जाऊंगी तो फिर पूरा का पूरा गूगल अच्छा सर्च हो जाएगा, मगर ह्यूमैनिटी है. तो अब ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे तो हमें पता है इंसानियत, मगर देखना जरूरी है, एकदम बेसिक मीनिंग देखो. ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग, कलेक्टिव क्वालिटी ऑफ बींग ह्यूमन, यानी बेनिवोलेंस, यानी उदारता हो, दयालु हो, कृपालु हो, यू नो, ये सब इंसानियत होने के लक्षण है, क्वालिटीज है. फाइन, ये है ह्यूमैनिटी. फाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल. ओके, अब उसके बाद इसको शेयर ही करते रहना है मुझे. अब लिखा हुआ है, मुझे रिलीजन का मतलब पता चल गया, लव फॉर गॉड, सर्व गॉड. साइंस का मतलब पता चल गया है, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग थ्योरीज. ठीक है, यानी साइंस उस चीज पे बिलीव नहीं कर सकता है जिसको वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता. गॉट माई पॉइंट? क्योंकि साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करेगा तभी उसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है. अब साइंस को भगवान नहीं दिख रहे हैं तो भगवान को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, तो इसलिए साइंस डजंट बिलीव इन गॉड, क्योंकि भगवान नहीं दिख रहे हैं. फाइन, इससे साइंस और रिलीजन टू अपोजिंग एंटिटीज हैं, या टू अपोजिंग थ्योरी कह लो या सिस्टम ऑफ नॉलेज कह लो, बेस्ट तो यही है. तो साइंस एंड रिलीजन आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम ऑफ नॉलेज. गॉट इट? अब ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका सिंथेसिस होना चाहिए, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस. अब मैंने इसको एज इट इज ले लिया, तो अभी मैं इसको एज इट इज लेकर देख रही हूँ. फाइन, अब मैंने इसको एज इट इज लिया. टुवर्ड्स द सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइकोलॉजीज, साइकोलॉजीज आया है तो हमें वो नहीं चाहिए. हाउ वुड यू सिंथेसाइज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफी? तो फिलोसफी की बात नहीं कर रहे, साइंस की बात कर रहे हैं. हालांकि आप देख रहे हैं सारा ब्लू ब्लू है, क्योंकि इस पे मैंने ऐसे तैयार किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें देखी है. अब देखिए, एंशंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस, ये भी मैंने ओपन किया, इसको भी मैंने ओपन कर लिया. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न थॉट ट्रेडिशन फॉर एक्सप्लोरिंग, वेस्टर्न साइंस देख लीजिए यहाँ पर, वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, इसको भी मैंने एक्सप्लोर आई मीन ओपन कर लिया. विजडम ऑफ बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, इंटीग्रेटिंग ईस्टर्न एंड विजडम पर्सपेक्टिव. ठीक है, बस इतना काफी है. अब उसके बाद मैं आ रही हूँ
सिंथेसिस ऑफ रिलीजन एंड साइंस, क्योंकि ईस्टर्न विजडम का मतलब रिलीजन, वेस्टर्न साइंस का मतलब साइंस, साइंस एंड रिलीजन इज सिंथेसिस पॉसिबल. कितना अच्छे से मिल गया हमें, क्योंकि हमने एक एक वर्ड का मतलब समझा. ठीक है, ईस्टर्न विजडम थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा कवरिंग था ईस्टर्न विजडम में, तो उसका कवरिंग उठा हटा लिया हमने, तो पता चल गया ईस्टर्न विजडम का मतलब रिलीजन है. वेस्टर्न साइंस में हटाओ वेस्टर्न को, साइंस. ओके, तो अब देखो साइंस एंड रिलीजन इज सिंथेसिस पॉसिबल, पूरा का पूरा आ गया, इसको हमने ओपन कर लिया. साइंस एंड रिलीजन द क्वेस्ट फॉर सिंथेसिस, krishna.com, इसका आ गया. देखिए कितना सारा है, सिंथेसिस इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अभी बहुत आ गया हमारे पास. विकिपीडिया मुझे अच्छा नहीं लगता है पढ़ना, ठीक है, हर जगह ब्लू 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 होता है तो मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं विकिपीडिया खोलती ही नहीं हूँ. थॉट्स ऑन सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, हार्ड कवर, बाय सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, क्रिटिकल एसे, सिंथेसिस और क्रिटिकल एसे एंड डायलॉग्स, हार्ड कवर, ये जो हार्ड कवर, कस्टमर रिव्यू, ये सारा बुक है. थॉट्स ऑन सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, कितना कुछ मिल गया, गॉट माई पॉइंट. तो कैसे सर्च करना चाहिए, तो अब उसके बाद आपके पास इतना कुछ मिला, मैं सबको ओपन कर रही हूँ. ठीक है, ये सब फालतू फालतू चीजें आ जाते हैं. अब जब हम ओपन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कितना ज्यादा है, तो इतना टाइम नहीं है इतना पढ़ने का. तो फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैं अपना इसमें टाइम दूं क्या इस आर्टिकल में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंट्रो पढ़ती हूँ. आर नॉलेज ऑफ व्हाट द डेनिजन ऑफ एनिमल किंगडम आर, अरे ये एनिमल किंगडम क्या आ गया, थॉट बट वेस्टर्न साइंस फाइनली कैचिंग अप टू ट्रेडिशनल नॉलेज. ठीक है, व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आरंट अराउंड हैज स्टेडीली इंक्रीज ओवर, फॉर एग्जांपल वी नो दैट द एनिमल यूज्ड टू चिम्स. ठीक है, मुझे मजा नहीं आया इसको पढ़ के. अब ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में क्या पढ़ रहा है, इसका फर्स्ट लाइन पढ़ लो, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ वर्ल्ड कम्स फ्रॉम मेनी मेनी, हमारे काम का ही नहीं है. अब मैं एकदम लास्ट में जा रही हूँ, इसका मैं कंक्लूजन पढ़ूंगी. टू रिटर्न टू द फायरवर्क एग्जाम, वन वे टू लुक एट दिस, साइंटिस्ट कंफर्म व्हेन इंडिजिनस पीपल हैव लॉन्ग नोन अबाउट द बर्ड्स. हाँ सोचो, खोले क्या थे और अब आया बर्ड्स यूज ऑफ फायर. हटाओ इसको, इसको मैंने हटा दिया, ये हमारे काम का नहीं है. अब ये देखिए, ये कितने पेजेस का बताऊं आपको, ये 24 पेज का है. और कितना क्या क्या लिखा है, ठीक है, इतना बड़ा. अब मैं क्या करूंगी, इतना नहीं है ना पढ़ने का. एन ओवरव्यू ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, तो मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ लूंगी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम डोमिनेंट फोर्स. क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन पढ़ने से हम लोगों को एक तो इंट्रोडक्टरी लाइन भी मिल जाता है कि ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस का सिंथेसिस में इंट्रोडक्शन हमें क्या देना चाहिए, वो लाइन मिल जाता है. इन मॉडर्न टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम डोमिनेंट फोर्स इन द वर्ल्ड, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद इट्स, मैंने ये वाला लाइन लिया है जो मैंने ऐसे तैयार किया है. विच इज पायनियरिंग रोल इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कॉमनली सीन एज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट. ठीक है, इट हैज आल्सो बीन रिपीटेडली, ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, और ये दोनों नहीं मिलेंगे. ये कितना अच्छा लाइन है, ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट वेस्ट है, और दोनों कभी नहीं मिल सकते. कहने का मतलब रिलीजन रिलीजन है, साइंस साइंस है, दोनों का सिंथेसिस नहीं हो सकता है, इस तरह का एक पॉपुलर थॉट था. ठीक है, और इसमें बहुत कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं. सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिक्वायर्स देयरफॉर स्पेशल इंट्रोडक्शन. इट सीम्स नेसेसरी टू रिव्यू एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द ड्रामेटिक डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स इंस्पायर दिस मीटिंग. एंड अब ये सब जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो. अब देखिए, ईस्टर्न व्यू ऑफ कॉन्शियसनेस एंड क्रिएटिंग, जब हम ईस्टर्न रिलीजन बोल रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि ईस्टर्न रिलीजन क्या प्रपोगेट कर रहा है. हिंदुइज्म क्या, हमने जब ईस्टर्न रिलीजन के बारे में पढ़ा तो हिंदुइज्म है, तो आप एक लाइन चुनो कि हिंदुइज्म क्या प्रपोगेट करता है, क्या प्रोपाउंड करता है, बुद्धिज्म क्या प्रोपाउंड करता है, और ताओइज्म क्या प्रोपाउंड करता है. ठीक है, ये चीज अगर आपको एक एक लाइन मिल गई तो आप उसका सिंथेसिस साइंस से बना सकते हो. राइट, तो यहाँ पे आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा. अब साइंस को डिफरेंस बिटवीन मेटेलिस्टिक साइंस, साइंस को मेटेलिस्टिक बोलते हैं. क्यों मेटेलिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि साइंस आपको ये बताता है कि आपके बाहर की चीजों को कैसे खूबसूरत बनाया जाए.
घर को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए, लॉन्ग डिस्टेंसेस है उसको शॉर्टन कैसे किया जाए, ये सब साइन बताता बाहर की चीजों को। रिलीजन क्या करता है, अंदर की चीजों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है, राइट? तो ये डिफरेंस है साइंस। वेस्टर्न साइंस पोर्ट्रेज ह्यूमन बीइंग एज हाईली डेवलप्ड एनिमल्स एंड थिंकिंग बायोलॉजिकल मशीन। तो साइंस ह्यूमन बीइंग को मशीन समझता है ना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, मशीन समझता है। और मगर रिलीजन मशीन नहीं समझता है ह्यूमन बीइंग को, सोल समझता है, उसमें फीलिंग्स है जो साइंस को नहीं दिखती है, तो साइंस फीलिंग्स को नहीं मानते हैं। तो आप देख रहे हो कंफ्लिक्ट है। अब इस कंफ्लिक्ट को हमें सिंथेसिस में कैसे चेंज करेंगे, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ ईच सिस्टम। ईच सिस्टम का मतलब रिलीजन में क्या ड्रॉबैक है और साइंस में क्या ड्रॉबैक है, वो यही पर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर मैं यहाँ पर आ रही हूँ, साइंटिफिक थ्योरी का लिमिटेशन क्या है, ठीक है? तो ऐसे करके द एवोल्यूशन ऑफ साइंस डोमिनेटेड बाय चेंजिंग पैराडाइम, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इतना मत पढ़ो क्योंकि कंटेंट आपको, अब जब से आपको यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी है इसको पढ़ लो, इसमें एक दो लिमिटेशन निकाल लो कि साइंस का भी अपना लिमिटेशन है, रिलीजन का भी लिमिटेशन है, तो दोनों को अगर सिंथाइज कर देंगे तो दोनों जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा लिमिटेशन, एक लिमिटेशन, ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। न्यूटन, डेस्कार्ट, डायकोटमी, कुछ भी मत पढ़ो, खत्म। अब सीधे हम जाते हैं, हाँ अब ये क्या है, मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये सब मत पढ़ो। अब मैं सीधे कंक्लूजन में जा रही हूँ क्योंकि सीधे कंक्लूजन तो पढ़ना जरूरी है। बायोफीडबैक, अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा दैट ट्रांसफर, कंक्लूजन में भी मजा नहीं आ रहा। हाँ, अप्रोचिंग सिंथेसिस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये रहा। अब यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करूंगी, ठीक है? अभी नहीं पढ़ रही हूँ तो मैं बता रही हूँ, यहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है? तिब्बतन, बुद्धिज्म, शैविज्म, ताओइज्म, सारा आ गया ना। देखो तो कुछ ना कुछ एक लाइन ऐसा मिलेगा जो आप इसको इसमें द न्यू इमेज ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन नेचर इंक्रीजिंगली रिजेंबल दैट ऑफ एंशिएंट एंड ईस्टर्न स्पिरिचुअल फिलोसफी, ठीक है? कुछ मिल सकता है इसमें। तो आप लोगों को सर्च करने का तरीका अभी मैंने बताया और किस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए जब आप लोगों को मिलता है। अब बहुत बड़े बड़े, अब जैसे ये वाला मैंने खोला, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो ये है। अब मैं नहीं पढ़ने वाली इतना छोटा सा, ठीक है? इतना मैं नहीं पढ़ सकती, है ना, इसको छोड़ दो। और ऐसे भी नहीं पढ़ सकती थी, साइंस एंड रिलीजन इज सिंथेसिस पॉसिबल, ये अच्छा सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह से ना हेडिंग भी दी हुई है, ठीक है? मैं पहले ना कंक्लूजन भी दिया हुआ है, वाओ। तो यहाँ पे कंक्लूजन ऐसे पूरा पढ़ लो, कुछ अगर आपको कंटेंट मिलता है। येट द हेवेंस डू प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड ह्यूमन माइंड डज बिगिन टू रिकॉग्नाइज द क्रिएटर थ्रू क्रिएटेड थिंग्स। और फिर ठीक है, साइंटिस्ट लाइक ये गिव पॉपुलर एंड कंपेलिंग अकाउंट्स ऑफ द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसको कभी साइंस ने एक्सप्लेन किया है। कुछ ऐसे वंडर्स हैं हमारे यहाँ पर जिसको साइंस कभी एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे साइंस कहता है कि ग्रेविटेशन है उसकी वजह से नीचे आता है, तो रिलीजन कहता है ग्रेविटेशन कहाँ से आया, आपको कैसे पता ग्रेविटेशन है? पता है, ठीक है, मगर ग्रेविटेशन आया कहाँ से, कौन लाया ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशनल पुल कैसे है, गॉड, ठीक है? तो ये वाला जो है, ये आर्टिकल अच्छा लग रहा है। जब मैंने ऐसे बनाया था तब मैंने ये आर्टिकल नहीं देखा था। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस, कितना अच्छा लिखा हुआ है। ऑपोजिशन, कॉम्पिटिशन, आइडेंटिटी, कन्फ्लेशन, सेपरेशन, कोएग्जिस्टेंस, सिंथेसिस विदाउट कंफ्यूजन, अच्छा है ना ये वाला? तो इसको आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, और छोटा भी है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है। अब ये द क्वेस्ट फॉर सिंथेसिस, ये है इंट्रोडक्शन, मैं पढ़ूंगी इसका, ये krishna.com का है शायद, ठीक है? ये ना फर्स्ट फेज कॉल्ड कर्मा,
तो हम लोगों को ये कर्मा वर्मा के बारे में नहीं लिखना है, ट्राइपार्टाइट प्रोग्रेशन ये सब नहीं लिखना है, तुम्हें कैसे है हमारे काम का नहीं, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कि, मगर इसका हम कंक्लूजन जरूर से पढ़ लेंगे। तो कंक्लूजन से मॉडर्न इन्फ्लुएंस काउंटर एनलाइटमेंट, ये रहा कंक्लूजन। द फोर्सेस ऑफ बोथ एनलाइटमेंट एंड काउंटर आर विद अस टुडे इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कल्चर मूवमेंट हैज डिटरमाइंड मच ऑफ द एजेंडा ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फॉर द लास्ट 3 सेंचुरी। बोथ एनलाइटमेंट काउंटर हमारे काम का ही नहीं है, हटाओ इसको, कंक्लूजन से पता चल जाएगा। अब ये पीडीएफ है, ये इसका है ना, ब्रीफली इसमें लिखा है ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस लिमिट। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं इस तरह का पेपर खुलता है ठीक है, तो मैं ये वाला बस पढ़ लेती हूँ ठीक है, और अगर थोड़ा सा श्रद्धा हुआ तो इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मगर इतना श्रद्धा नहीं है कि इतना पढ़ूँ ठीक है, इसको भी छोड़ देती हूँ। ये बुक मैंने जल्दी से खोल दिया ठीक है, इसको हटाओ। ये भी थॉट्स अबाउट द बुक प्रोडक्ट्स, ये भी मैंने गलती से खोल दिया, फाइन। अब ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सर्च हुआ, अब मैं क्या करूंगी, स्पेसिफिक वेबसाइट है जो मैं यूजुअली सर्च करती हूँ, जैसे कि एक है गार्जियन, मुझे गार्जियन बहुत अच्छा लगता है, इसके आर्टिकल्स guardian.com। रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद साइंस एंड वाइस वर्सा, साइंस हैज आल्सो नथिंग टू डू विद रिलीजन। मस्ट साइंस एंड रिलीजन बी पोलराइज, पोलराइज का मतलब दोनों को अलग कर दे। साइंस एंड रिलीजन आर यूनाइटेड इन अ शेयर्ड सेंस ऑफ वंडर, गार्जियन। तो फिर पहले तो मैं नॉर्मली वेबसाइट अपने आप जो गूगल मुझे दिखाता है वो मैं ओपन करती हूँ, उसमें से मुझे कुछ कंटेंट मिल जाता है ठीक है। उसमें भी मैं जब वेबसाइट ओपन करती हूँ तो मैं पहले इंट्रो और कंक्लूजन पढ़ के समझ लेती हूँ ये मेरे काम का है कि नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। मगर अब जैसे ये वाला है, साइंस एंड रिलीजन आर यूनाइटेड इन अ शेयर्ड सेंस ऑफ ऑर्डर, इसको मैंने ओपन किया ठीक है। ये सब पता नहीं क्या क्या आता है, यस आई एम हैप्पी। चलो कभी कभी ये ना अच्छा भी नहीं होता है और कभी कभी अच्छा होता है। इसमें एज अ साइंटिस्ट आई लाइक टू फील आई एम एक्सप्लोरिंग अ कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस, आई एम ऑस्ट्रक बाय द ब्यूटी दैट सैचुरेट्स द लॉज ऑफ फिजिक्स। ओ ठीक है, इतना नहीं पढ़ सकते हम लोग। अब फिर हम जा रहे हैं कंक्लूजन में। In some people's mind, science and religion stand in a stark opposition. But is this really the case? Certainly, years of being a scientist have led me, ये कोई साइंटिस्ट ने लिखा, to doubt pretty much everything I thought I knew. इस साइंटिस्ट को लगता था उसको जो भी सब कुछ पता है इसको। Scientists often find religious faith hard to swallow. ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं। Scientists do often act with what seems to be something like faith, faith in scientific truth, perhaps on an humbling significance of nature's beauty. Faith is too strong. बहुत मजा नहीं आ रहा है इसको पढ़ के ठीक है। तो आप लोग बीच बीच में से कुछ कुछ पैराग्राफ इसमें से उठा के आप पढ़ सकते हो। साइंस कैन टैकल आर नॉनेस लिमिटेड इन स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस कुछ चीजें हैं जो टैकल करता है, मगर साइंस हर चीज को टैकल नहीं कर सकता, उसका अपना लिमिटेशन है ठीक है। डीप क्वेश्चंस का आंसर साइंस नहीं कर सकता है। साइंस डज नॉट टच ऑन वेदर द यूनिवर्स हैज एनी पॉइंट टू इट, और इट कैन नॉट इवन होप टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। क्यों कुछ नहीं है, क्यों कुछ है, ऐसा क्यों है कि किसी भी यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाओ कुछ ना कुछ है, ऐसा क्यों है कि कुछ भी नहीं है, ये सब साइंस आंसर नहीं कर सकता। यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी को भी है ना चैलेंज किया गया है ठीक है। आप खुद सोचिए, बिग बैंग थ्योरी एक एक्सप्लोजन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लोजन ठीक है। क्या कोई एक्सप्लोड होके इतना ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ, हम कहीं पे भी कुछ भी एक्सप्लोजन करते हैं तो सब कुछ तितर बितर हो जाता है, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से। अच्छा बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग जो एक्सप्लोजन हुआ, अर्थ एकदम अपने पोजीशन पे आ गया एक्सप्लोजन के बाद, यूरेनस अपने पोजीशन पे आ गया, सब कोई सन के चारों तरफ अच्छे से घूमने लग गया। इसलिए बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज किया जाता है कि एक्सप्लोजन से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में, सारा यूनिवर्स का एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने पोजीशन पे आकर बहुत अच्छे से फंक्शन करे, दिस इज नॉट पॉसिबल।
तो साइंस जो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन थ्योरीज, तो उसमें भी लूप होल्स है इनके थ्योरीज में। यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज किया गया है, और ये मुझे पता था पहले से भी। और जैसे चांद पे लैंड किया गया है, वो भी मिथ है। वो भी बोले कि इट्स बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस वी आर एबल टू लैंड ऑन मून, ये बोला गया था। मगर मून पर हवा नहीं है, चांद पर हवा नहीं है, फिर भी दिखाया गया कि जो यूएसए का फ्लैग है वो फ्लटर कर रहा है, हवा में फहराया जा रहा है। अरे कैसे उड़ रहा फ्लैग जब हवा ही नहीं है? ठीक है, तो ये सब साइंस को एज अ मतलब उसको एज अ टूल यूज करके मिसगाइड किया जा रहा है। एनीवेज ठीक है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, अब जैसे गार्जियन आप लोग लिखते जाना, एक गार्जियन है। दूसरा मुझे अच्छा लगता है वेबसाइट, वो है द अर्थ, और रिसर्च गेट भी अच्छा लगता है। तो द अर्थ पे अगर कुछ नहीं लिखा होगा साइंस पे तो वो आएगा नहीं, नहीं है द अर्थ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब है रिसर्च गेट, वो भी मैं देखती हूँ, तो मैं रिसर्च गेट लिख देती हूँ। ठीक है, अब रिसर्च गेट पे काफी आया है। एक तो हमने देख लिया है द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड इन साइंस एंड रिलीजन। जब पीडीएफ आता है ना स्टूडेंट्स, आप समझ जाना कि पीडीएफ बहुत कभी कभी 10 पेज का होता है, मगर कभी कभी 15 पेज का होता है। ठीक है, ये रहा फुल टेक्स्ट। अब बताओ इतना कौन पढ़ेगा? 300 वर्ड्स का ऐसे लिखो फिर पीडीएफ पढ़ो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, साइंस एंड रिलीजन, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड फिलोसफी, रिसर्च गेट, है ना। एक मुझे ये अच्छा लगता है। अब एक और वेबसाइट मुझे अच्छी लगती है, वो है ORF। अगर ORF में कुछ होगा तो आ जाएगा, नहीं ORF में साइंस के बारे में कुछ नहीं है, मगर काफी कुछ आया ORF लिखने से भी। फिर है एक OECD भी मुझे अच्छा लगता है, OECD। इसमें कब कम होते हैं, OECD ग्लोबल कॉम्पिटेंसी, OECD में नहीं है साइंस और रिलीजन के बारे में। फिर उसके बाद डिप्लोमैट, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। गार्जियन के बाद मुझे डिप्लोमैट ही है जो अच्छा लगता है। डिप्लोमैट में इस वेबसाइट में साइंस एंड रिलीजन के बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, फिर एक और वेबसाइट मुझे अच्छी लगती है, वो है वायर, तो आप लोगों ने सुना होगा वायर ऑफ मिंट। ठीक है, वायर में भी ये रहा वायर, कैन साइंटिस्ट बी रिलीजियस। ठीक है, अगर साइंटिस्ट रिलीजियस है तो फिर सिंथेसिस पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो ये बुक है शायद, बुक रिव्यू। अच्छा, ये बुक रिव्यू है, कितनी अच्छी बात है। तो छोटा सा लिखा होगा, और कितनी अच्छी बात है। देखो ऐसे पॉइंट वाइज दिया तो हम लोग तुरंत तुरंत पढ़ सकते हैं। इसका मैं इंट्रो पढ़ूंगी। लेड इनॉर्मस एम्फेसिस ऑन पोटेंशियल ऑफ साइंस टू सॉल्व द काउंटलेस प्रॉब्लम फेस्ड बाय न्यूली इंडिपेंडेंट इम्पॉवरिश्ड नेशन। ठीक है, रिव्यू। फिर मैं, अरे छोटा सा ये, ज्यादा नहीं है, पिक्चर से भी ना स्पेस कवर हो जाते हैं। अब मैं इसमें जा रही हूँ। This is illuminating study throws light on an area that has remained largely unexplored, shows the notion of an intractable opposition between religion and science. Opposition between religion and science. ठीक है, the author does an excellent job of marshalling past and present discourses to contextualize his finding, make them more meaningful. We should perhaps take a kinder view in future of scientists who pray. इसका मतलब है कि scientists religious हो सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को पढ़ना होगा। ये सही है, पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब एक है वायर है, फिर उसके बाद मिंट है। मिंट भी अच्छा होता है, मगर वो बेसिकली पॉलिटिकल बेस्ड उसमें ज्यादा आते हैं। साइंस एंड फेथ आर नॉट एज डिफरेंट एज वी ऑफन थिंक। और मिंट को पढ़ना बहुत आसान है इसमें ना, देखो बहुत आसान है मिंट को पढ़ना, और सिंपल लैंग्वेज होता है। आई यूज टू थिंक दैट नो वन रियली बिलीव्स इन गॉड बिकॉज इफ पीपल डिड एज दे क्लेम वुडंट दे बी इन परपेचुअल स्टुपर स्टन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ मैजिकल फोर्स। ठीक है, इजी होता है। ब्लैक होल के बारे में उसको भी चैलेंज किया गया, मगर मुझे कुछ खास पता नहीं है ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, ये सिर्फ ब्लैक होल के बारे में बताया। एक्चुअली साइंस और रिलीजन का सिंथेसिस आप लोग तभी बता सकते हो जब आप ये बताओ कि भाई साइंस जो है
उसका लिमिटेशन है, रिलीजन है उसका लिमिटेशन है, तो आप लोग ये लिमिटेशन बताओगे तभी तो आप बोलोगे कि सिंथेसिस जरूरी है, होना चाहिए, ठीक है, फिर इसका कंक्लूजन में आ जाते हैं, ठीक है, ये इसका इट विल इफ एंड काउ यूरिन टर्न्स आउट टू बी गुड फॉर हेल्थ एंड देयर आर नो ब्लैक होल्स. पता नहीं, समझ ही नहीं आया क्योंकि पहले वाला नहीं पढ़ा ना. एनीवेज, ठीक है, एक ये है. अब मेरे को एक स्टेट्समैन भी अच्छा लगता है. हिंदू तो आप लोगों को वैसे भी देखना है, मगर प्रॉब्लम क्या है हिंदू में कि जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हिंदू का पूरा आर्टिकल नहीं आता है. स्टेट्समैन, साइंस वर्सेस रिलीजन, कितने अच्छे से आ गया. इसका दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट. कभी कभी पता है ना, लिखा तो अच्छा होता है, मतलब कि जो हम लोग रूबरिक देखते हैं साइंस वर्सेस रिलीजन, वाओ देखो कितने अच्छे से दिया है, मगर जब पढ़ते हैं लाइक ऑयल एंड वाटर, साइंस एंड रिलीजन आर इमिसिपल एंड बिलोंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डोमेन विदाउट एनी इंटरफेस. अब आप देखो ये सब हम लोग आराम से सिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन हम अपोजिशन से शुरू कर सकते हैं, ये आप लाइन ले सकते हैं, ठीक है. ताऊ ऑफ फिजिक्स, खैर मैं तो सीधे, अरे कितना छोटा भी है. रिलीजन साइंस हैव नेवर बीन कंपैटिबल, व्हाइल साइंस टीचेस अ सिस्टमैटिक रैशनल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग दिस यूनिवर्स. एनीवेज, अब इसका पार्ट टू भी है, तो आप लोग पार्ट टू भी पढ़ लेना, छोटा सा ही होगा मुझे ऐसा लगता है. ये जा क्यों नहीं रहा है. अब उसके बाद मुझे एक और ट्रिब्यून इंडिया भी मैं देखती हूँ, ये वाला वेबसाइट भी मुझे अच्छा लगता है. एज ओल्ड क्लैश ऑफ साइंस एंड रिलीजन, जबकि देखो मैं सिंथेसिस लिख रही हूँ मगर ये लोग क्लैश दिखा रहे हैं. योगा वे साइंस मिट स्पिरिचुअलिटी, तो सिंथेसिस कैसे हो सकता है, आप इसमें योगा की वजह से भी सिंथेसिस होता है, तो आप दो लाइन योगा का भी ले सकते हो जिसकी वजह से साइंस और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब ईस्टर्न विजडम मिल सकता है, ठीक है. अब उसके बाद मुझे फ्रंटियर भी अच्छा लगता है. फ्रंटियर मुझे सबसे अच्छा, गार्जियन और डिप्लोमैट, ये तो बहुत ही अच्छा है. द न्यू फ्रंटियर ऑफ रिलीजन एंड साइंस, फ्रंटियर वेबसाइट नहीं आया, रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड साइंस, ठीक है, इसमें से भी आप लोग देख लेना. फिर उसके बाद मुझे रिसर्च गेट हमने देख लिया, डाउन टू अर्थ, ये भी मुझे अच्छा लगता है. एक तो द अर्थ है और एक डाउन टू अर्थ है. डाउन टू अर्थ वाला वेबसाइट ही नहीं खुला. ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट और हार्मोनी, एक ये नया, तो इस तरह से आप लोग टाइम लेगा मगर आप लोगों का खुद का ओपिनियन में बिल्डअप होगा, कंटेंट भी आएगा कुछ. देखो कितना ये वाला रिलीजन एंड साइंस कॉन्फ्लिक्ट और हार्मोनी, मगर कितना छोटा सा लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, देखो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है. ये तो स्पीकर ये लोग बोलेंगे, अब कहाँ बोले हैं पता नहीं. अच्छा ये रहा क्या, हाँ ये रहा, वो सबको अपना अपना ओपिनियन दे, ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है, मगर इसमें भी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन देख के करना है. अच्छा लास्ट है द प्रिंट, ये भी मैं वेबसाइट देखती हूँ, हालांकि बहुत कम, कुछ मिल गया तो अच्छा है. सिंथेसिस एंड एन एसे ऑन द सिंथेसिस ऑफ रिलीजन एंड साइंस, देख लेना, ठीक है. अब सपोज कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ट्राई किए फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे केस में लिखो एसे, ठीक है. अगर एसे लिखोगे, डज रिलीजन एग्जिस्ट टुडे, एक 1-2-3 वाला एसे भी आता है, यही है शायद, हाँ यही है, ठीक है, और एक बी से नाम है उसमें भी एसे आता है, तो आपको इसमें मिल जाएगा. अब आप लोगों को ऐसे तो मिल जाएगा मगर उसमें मैं बहुत नहीं ले पाती ऐसे से, क्योंकि पूरा क्वेश्चन को जस्टिफाई करना पड़ता है, उनके ऐसे का क्वेश्चन अलग होता है, हमारे क्वेश्चन ऐसे का क्वेश्चन अलग है, फाइन. एक ये भी तरीका है ढूंढने का, फाइन. अब मैं इसको स्टॉप शेयर कर रही हूँ. अब मैंने गूगल से सर्च करके मैंने साइंस और रिलीजन पे एसे लिखा, ठीक है, अब वो मैं आप लोगों को दिखा दूं.
तो स्टूडेंट सबसे पहले कहाँ गया, 2, 3, 4, 5, ये रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे हमने शुरुआत की, अभी ये क्लास थोड़ी ज्यादा हो रही है, मगर कैसे हमने ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस को कैसे हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की वो आपने देखा था। रिलीजन साइंस दोनों का मतलब, ईस्टर्न रिलीजन कौन कौन सा रिलीजन है, हिंदुइज्म बुद्धिज्म, ठीक है, और साइंस क्या होता है वो सब हमने देख लिया। और जब हम गूगल सर्च कर रहे थे तो हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा अपोजिशन पे बात हो रही है, सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट पे बात हो रही है, सिंथेसिस पे बहुत कम बात हो रही है। फाइन, उसमें हमने एक पॉइंट देखा योगा, योगा से साइंस और रिलीजन को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनका जोड़ हो सकता है, मेल हो सकता है, ठीक है, और ये सब काम हमें ह्यूमैनिटी के लिए करना है। तो मैंने लिखा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद इट्स पायनियरिंग रोल इन साइंस इज कॉमनली सीन एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। अब इसमें ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस वाले में ये रिलीजन, आप या तो रिलीजन से ये माइनर कंपोनेंट है, ये भी माइनर कंपोनेंट है, ये भी माइनर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट सिंथेसिस है, ठीक है। आप विजडम कैसे माइनर कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब हम ऐसे में पढ़ेंगे, मगर फिर भी कैसे माइनर कंपोनेंट आइडेंटिफाई करते, जो सबसे बड़ा टॉपिक हो, सबसे ब्रॉड हो, सबसे वास्ट हो। तो रिलीजन वास्ट है, साइंस भी वास्ट है, ह्यूमैनिटी भी वास्ट है, मगर इन दोनों का सिंथेसिस ही कम वास्ट है इससे, तो इसीलिए मेजर कंपोनेंट हुआ। मेजर कंपोनेंट के बारे में ही आपको मेन बॉडी में लिखना है, माइनर कंपोनेंट जो है रिलीजन साइंस ह्यूमैनिटी, ये आप इंट्रो में शुरू कर सकते हैं, इंट्रो में, ठीक है, इंट्रो में कभी भी मेजर कंपोनेंट से शुरू नहीं कर सकते हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद इट्स पायनियरिंग रोल इन साइंस, साइंस आ गया, इज कॉमनली सीन एज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। दिस हैज बीन एसोसिएटेड विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अंडरएस्टिमेट एंड मिसअंडरस्टूड द वैलिडिटी एंड प्रोफाउंडिटी ऑफ ईस्टर्न विजडम। अब साइंस इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर गया कि जिससे वो डोमिनेट करने लगा रिलीजन को, अंडरमाइन करने लगा, अंडर एस्टिमेट करने लगा। कौन सा रिलीजन, मैंने शुरुआत में बता दिया, हिंदुइज्म बुद्धिज्म, टाओइज्म मेंशन नहीं किया। इट हैज आल्सो बीन रिपीटेडली एम्फसाइज दैट आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस आर अनब्रिजेबल। दोनों का मेल नहीं है। द रीजन इज दैट द रीजन इज दैट वेस्टर्न साइंस इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड। हमने पहले साइंस का मतलब पढ़ लिया था, तो मैंने यहाँ पर साइंस का मतलब बता दिया, और ईस्टर्न विजडम से एकदम ऑपोजिट है, जो कि बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी पे बिलीफ रखता है, फेथ और स्पिरिचुअलिटी पे। तो दोनों का सिंथेसिस एक प्रेसिंग नीड है। अब मैं सिंथेसिस, ये मेजर कॉम्पोनेंट है, इसको मैंने यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में एक्सपोज किया, क्योंकि वेस्टर्न साइंस जो है उसका मैं वीकनेस बताऊंगी, तभी मैं बता पाऊंगी कि ना क्यों इसको रिलीजन से जोड़ना चाहिए। क्योंकि वेस्टर्न साइंस जो है अबॉर्शन, यूथेनिसिया, यूथेनिसिया का मतलब पैसिव किलिंग, मतलब कि पेशेंट खुद ही बोल रहा है कि मुझे मार दो, बायो एथिक्स, रिसर्च, क्लोनिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, एनिमल राइट्स, इस ये सारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया है। उसे बता दिया क्लोनिंग होता है, यूथेनिसिया कर सकते हैं, अबॉर्शन कैसे होता है, उसका मशीन टूल सब कुछ आ गया है, मगर अबॉर्शन करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, एनिमल का राइट्स, एनिमल को काट काट के कैसे कैसे खा सकते हैं सारा, मगर एनिमल के राइट्स, इसके बारे में सब कंसर्न्स साइंस नहीं एड्रेस कर पाया। इसीलिए ईस्टर्न विजडम, जैन बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये लोग का रोल है बताने के लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ये बताता है कि सारे लिविंग बींग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मॉरल जजमेंट कैसे लेना चाहिए। डेडली वेपन का साइंस तो बना दिया, डेडली वेपन्स, मगर उसको यूज कैसे करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, ये सब साइंस नहीं बता पा रहा है। एक और रीजन है इंटीग्रेशन का, एक रीजन तो बता दिया कि राइट और रॉन्ग साइंस नहीं बताता है। दूसरा रीजन है साइंस और रिलीजन का सिंथेसिस होने का, दूसरा रीजन क्या है कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको सिर्फ साइंस नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके अपने लिमिटेशन है, क्योंकि साइंस ने अभी तक सुपर नेचुरल फिनोमिनन नहीं एक्सप्लेन कर पाया है। इतना सारा सुपर नेचुरल फिनोमिना होता है, बहुत होता है,
ठीक है, जिसको साइंस कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, सुपर नेचुरल फिनोमिना। मैंने ना मैं वो मूवी का नाम भूल गई हूँ, हॉलीवुड मूवी है, और उस मूवी में वो मूवी बेसिकली घोस्ट पर है, घोस्ट बेस्ड मूवी है, मगर वो डरावनी है, मगर वो उस मूवी में ये बताया है कि एक हॉन्टेड घर था, और उस हॉन्टेड घर में घोस्ट रहते थे, ठीक है, मम्मी पापा रहते थे, मुझे अब ध्यान नहीं है, ठीक है, तो वो घोस्ट किस तरह से परेशान करते थे, क्यों परेशान करते थे, तो घोस्ट को टैकल करने के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं डिजीज को हैंडल करने के लिए, क्योर करने के लिए, वैसे घोस्ट को टैकल करने के लिए अमेरिका में एक कपल्स थे, वो ये ट्रू ये जो ये क्या एनाबेल है, एनाबेल एनाबेल, करेक्ट, ये मूवी का नाम है। तो वो कपल है ना, वो घोस्ट, उनके पास सारे टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है घोस्ट को ट्रैक करने के लिए, घोस्ट के स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए, और ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है ये मूवी, ठीक है। तो साइंस ने नहीं एक्सप्लेन कर पाए घोस्ट, बिल्कुल नहीं, ये सब सुपर नेचुरल फिनोमिना होता है, उसको साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ठीक है। तो जो जिसको जापानीज चाइनीज क्लासिक लिटरेचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया है, और हमारा हिंदुइज्म भी कर पाया है, मगर मैंने नहीं कितना कुछ मेंशन करे, और मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेसिव है, मगर उसका भी स्कोप लिमिटेड है कभी भी, मतलब इसीलिए हमें ना ईस्टर्न विजडम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट हीलिंग सिस्टम है, लाइक योगा है, रेकी मुझे भी आती है, रेकी क्या होता है, टच हीलिंग होता है, आपके अंदर पावर डाल दिया जाता है, एंड जैसे अगर आप मेरे जैसे, मेरे हाथ में, सिर्फ मैंने रेकी सीखा है, तो मेरे हाथ में वो हील करने की पावर है, और मैं अगर जैसे मुझे जुकाम होता है, ये जो हील करने की पावर है बहुत, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि ना मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की है, तो अगर मुझे जुकाम होता है तो मैं अपने चेस्ट पे हाथ रखती हूँ, तो मेरा जो नोज है वो अपने आप खुल जाता है, जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मेरी नीस थी, छोटी सी थी, 2 महीने 3 महीने की, ठीक है, और वो कुछ बीमार पड़ती थी ना, मैं इतनी छोटी सी थी, मेरा पूरा हाथ आ जाता था उसके बॉडी में, तो वो तुरंत ठीक हो जाती थी, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर है ना गंदगी नहीं होती है, ना इमोशंस में गंदगी होती है, ना शरीर में होती है, तो रेकी तुरंत, जो पावर होता है रेकी का, वो तुरंत बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो तुरंत ठीक हो जाती थी, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर वो खेलना शुरू कर देती थी, रेकी का इतना पावर है। तो ये जापान की हीलिंग टेक्निक, एक मैग्नेटिक थेरेपी होती है, बहुत सारे थेरेपी होती है, ऑल्टरनेट हीलिंग सिस्टम, और आजकल सभी कोई ऑल्टरनेट हीलिंग सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल साइंस से विश्वास बहुत उठ चुका है। ये तो मैंने साइंस के लिमिटेशन बता दी है, तो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड इट इज इम्परेटिव टू इंटीग्रेट बोथ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस टू डेवलप न्यू इंसाइट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। अगर दोनों इंटीग्रेट हो गए तो फायदा क्या होगा, हम अपने दुनिया को अच्छे से समझ पाएंगे, एक हेल्दी और बेटर लिविंग हो पाएगा, देयरफॉर द हेल्दी डायलॉग बिटवीन द टू मस्ट टेक प्लेस एंड अंडरस्टैंड अदर्स पार्ट टू नॉलेज फॉर प्रोग्रेस एंड मोरालिटी बेस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। मोरालिटी तो पूरी की पूरी इरोड हो रही है, फाइन, आजकल बॉडीली सेंटर्ड सिविलाइजेशन आ गया है, बॉडीली सेंटर्ड का मतलब लुकिंग गुड वाला सिविलाइजेशन आ गया है, ठीक है, बीइंग गुड वाला सिविलाइजेशन इरोड हो रहा है, जिसमें वैल्यूज होने चाहिए, तो वो सिविलाइजेशन को वापस लेकर आने के लिए दोनों का इंटीग्रेशन, सिंथेसिस जरूरी है। तो ये ऐसे था इसका। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग गूगल सर्च करते हो, तो पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इंट्रो कंक्लूजन, सबसे पहले तो हर एक ऐसे का की कंपोनेंट को समझने की कोशिश करो, की कंपोनेंट को समझने के बाद वो है क्या, जब आप गूगल सर्च करोगे तो पॉपुलर ओपिनियन क्या है वो भी आपको दिखेगा, जैसे ओपोजिशन है रिलीजन और साइंस का, वो पॉपुलर ओपिनियन है, वो आपको दिखेगा बहुत, ठीक है। और फिर आप स्पेसिफिक में जाओ, स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड रिलीजन, सॉरी साइंस, और फिर आप इंट्रो कंक्लूजन, एक एक लाइन यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ। और एक और चीज, मैंने लाइंस उठाई है, मगर मैंने उसको मॉडिफाई किया है इन ऑर्डर टू मेक माई कंटेंट रेलिवेंट टू द एसे क्वेश्चन, तो
तो सिंपली उठाकर कॉपी पेस्ट करने से आई विल गेट टू नो कि हाँ आपने कॉपी पेस्ट किया। मगर और एक और इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ये प्रैक्टिस में आप ले गए कॉपी पेस्ट सिर्फ गूगल से सर्च करके कॉपी पेस्ट, तो क्या होगा, एग्जामिनर एग्जामिनेशन हॉल में यू विल फील हैंडीकैप। आपको बहुत, आपको कुछ आएगा ही नहीं लिखना, आपको लगेगा अरे गूगल मिल जाए वापस से। ठीक है, तो 17 ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसमें आप करीब 5-6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप है ना गूगल सर्च करो, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट, थोड़ा मॉडिफाई, थोड़ा ऐसे ऐसे करके उसको रेलिवेंट बनाओ क्वेश्चन से। ठीक है, और फिर जो डेस्क जो क्वेश्चन है उसमें गूगल सर्च करके यू जस्ट शट इट डाउन, है ना, उसके बाद खुद से यू जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स, नॉट जॉट डाउन द सेंटेंस, सिर्फ पॉइंट्स को जॉट डाउन करो एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन सेंटेंस, उसको थोड़ा मॉडिफाई करो क्वेश्चन से रेलिवेंट करने के लिए। हालांकि बहुत डिटेल में हमें बात करनी है जब हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए इससे कनेक्टेड कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ। हेलो मैम हाँ बोलिए। मैम, कल आपने बताया था कि एक 35 to 40 एसेस प्रिपेयर कर लेने चाहिए, जो कि जनरल टॉपिक्स भी होते हैं और यानी एग्जाम से रिलेटेड भी होते हैं। तो उन सब चीजों को वो आपने बताया था कि विजन आया इसका भी आता है, तो वो भी अगर बता देते दे तो हेल्पफुल रहेगा। देखो विजन आयस की तो मैगजीन आती है, उनके एसेस तो मुझे नहीं लगता, अगर आते भी होंगे ना उनके एसेस तो फिर वो सिर्फ एनरोल्ड स्टूडेंट्स को मिलते होंगे, गूगल में तो नहीं दिखते हैं। ठीक है, और विजन आयस का अगर एसे देखोगे वो तो 1200 वर्ड्स के होंगे क्योंकि वो यूपीएससी वाला है ना वो, मगर हालांकि उसमें भी आपको कंटेंट मिलेगा और अच्छा सॉलिड कंटेंट मिलने वाला है, एज बहुत अच्छा है वो, तो मगर मुझे नहीं पता उसके एसे होते हैं, मगर उसका ना विजन आज की जो मैगजीन है ना उसके लिए ना वो रिपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, एसे के लिए मैगजीन उतनी अच्छी नहीं है, रिपोर्ट के लिए आर्गुमेंट के लिए भी नहीं अच्छी है, रिपोर्ट के लिए अच्छी है। और कोई मैम, आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ईस्टर्न विजडम को, तो मैम ईस्टर्न विजडम को आप रिलीजन से क्यों जोड़े? क्योंकि जब हम गूगल सर्च कर रहे थे ना तो ईस्टर्न विजडम में हिंदुइज्म बुद्धिज्म और ताओइज्म आया था जब गूगल सर्च कर रहे थे। नहीं मैम ईस्टर्न विजडम तो साइंस में भी हो सकता है ना, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, मूवी में भी हो सकता है, आर्किटेक्ट में भी हो सकता है। देखो एक और ये चीज मैं बताऊं, आप लोग है ना अपने जो की कंपोनेंट है ऐसे का आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो, इधर से खींच के उधर से खींच के बहुत एक्सपैंड कर सकते हो, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे 300 वर्ड्स में लिखना है तो मैं कैसे नैरो डाउन करूं, मैं जितना नैरो डाउन अपने आप को करूंगा ना उतना मैं एक इफेक्टिव ऐसे लिख सकता हूँ। तो ईस्टर्न विजडम बेसिकली जो साइंस है ना, क्यों साइंस को कनेक्ट किया वेस्टर्न साइंस से, क्योंकि हमारा आयुर्वेदा भी तो साइंस बेस्ड ही है, राइट? तो आप बात एकदम सही बोल रहे हो, मगर इस तरह क्योंकि हमेशा से जब से मतलब साइंस जो इवॉल्व हुआ है हमेशा वेस्ट में, मतलब कि बोला जाता है कि वेस्ट में इवॉल्व हुआ है क्योंकि ब्रिटिशर्स आके हमारे सारे शास्त्रों को तो तोड़ताड़ दिए, जला दिए, नष्ट कर दीजिए, ठीक है, जबकि साइंस इंडिया में तो था ही, मगर इस साइंस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द वेस्ट बिकॉज इट इज सेड दैट इट ओरिजिनेटेड इन वेस्ट, साइंस जो इवॉल्व हुआ वेस्ट में हुआ, उसको ओरिजिन ही वेस्ट में हुआ, इसीलिए वेस्टर्न साइंस, ईस्टर्न साइंस कभी नहीं सुनोगे। और फिलोसफी जो है वो ईस्टर्न साइड का है, तो जब गूगल सर्च किया ईस्टर्न विजडम हमें मिला रिलीजन, तो इसीलिए रिलीजन और साइंस का सिंथेसिस, जब मुझे पता चला अच्छा रिलीजन और साइंस का सिंथेसिस है तो फिर मैं रिलीजन और साइंस के बारे में ढूंढने लग गई, और मगर अपने गूगल मगर अपने कंटेंट में ईस्टर्न विजडम हम लिख सकते हैं ताकि क्वेश्चन से कनेक्टेड रहे हमारा कंटेंट। ठीक है, तो बहुत पता है, मतलब आप लोग जब बोलोगे मुझे ये भी लिखना है वो भी लिखना है ऐसे करके कुछ नहीं लिख पाओगे, इसे लिमिटेशन भी मैंने दो ही लिया है कि साइंस वैल्यूज को नहीं एड्रेस करता है, दूसरा साइंस हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सिर्फ दो ही लिमिटेशन दिया है और बोला है कि इसीलिए रिलीजन ये सब का आंसर कर सकता है, इसलिए साइंस और रिलीजन का सिंथेसिस होना चाहिए ताकि एक बेटर लिविंग हो सके।
बहुत ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो ना 300 वर्ड्स में. हाँ, और क्वेश्चन. मैम, पर जो मैम इवेंचुअली जो ये ऐसे का एसेंस है कि दोनों को मिला के कि गोल फॉर ह्यूमैनिटी के लिए क्या बढ़िया कर सकते हैं, बिल्कुल. कि मैम जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मॉडर्न मॉडर्न मार्बल आर्किटेक्चर को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सिंपल सा एग्जांपल हम दे रहे हैं. देखो मैं आपको बताऊं, सुनिए, आप ने चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है. मैंने नहीं लिखा है, मगर आप लिख सकते हो. मगर आपको उसको इस तरह से लिखना है कि वो कनेक्ट हो सके उससे, क्वेश्चन से, ठीक है. ओके चलिए, और कुछ मैम, सेंटेंस सेंटेंस. कनेक्ट कैसे करेंगे? हाँ, रौनक हाँ बताइए. रौनक, मैम, सेंटेंस कनेक्ट कैसे करेंगे? मैं नहीं समझी. मैम जैसे कि सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस अरेंज कैसे करेंगे? इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, वो सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे होगा फिर? हाँ, वो हम जब ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे, उस समय मैं बताऊंगी. मगर देखिए, जो मैं बताऊंगी ना, वो रिपोर्ट में तो आपको अच्छा लगेगा, आर्गुमेंट में भी अच्छा लगेगा. ऐसे में ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए. जैसे अभी मैंने ये ऐसे लिखा है, ठीक है. नितिन का कुछ और इसमें, उसने इस ऐसे क्वेश्चन को दूसरी तरीके से समझा है, तो वो जिस तरह से समझा वो उस तरह से लिखेगा, और वो भी सही रहेगा, वो भी सही रहेगा. ऐसे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है. यही कंटेंट को अगर कोई और अरेंज करेगा तो डिफरेंट तरीके से कर सकता है. बहुत लचीलापन है इससे में, बहुत ज्यादा है. वो मैं बताऊंगी कैसे करना है, मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है. कोई किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, कोई किसी तरीके से करता है, मगर ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, है ना. हाँ, और मैम कोई और क्वेश्चन. आप जैसे बोल रहे थे कि जैसे एग्जाम में मैम ऐसे में कि हम लोग को जैसे मैप नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप मैप ये सब यूज कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से जब लिखा हुआ है 300 वर्ड्स, साफ लिखा हुआ है, फाइन. तो 300 वर्ड्स लिखा है तो क्यों लिखा है कि आप मैप बनाकर आप वर्ड्स को खा जाओ, आप समझे, पहली चीज. दूसरी चीज, यूपीएससी में जो जीएस का पेपर्स होता है और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको बहुत छोटा, मतलब बहुत कम स्पेस दिया जाता है. तो उसमें जो यूपीएससी के टीचर्स हैं, वो बोलते हैं कि आप, है ना, अपनी बातों को बहुत ज्यादा आपको बोलना है तो आप अपनी बातों को मैप के थ्रू, ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो. और यूपीएससी जो कंपलसरी इंग्लिश पेपर में जो एस्से भी आते हैं ना, उसमें भी मना किया जाता है मैप, डायग्राम, कुछ भी बनाने के लिए, क्योंकि उसमें भी लिखा रहता है 1200 वर्ड्स. तो मैप बनाओगे तो उसमें वो किस में हम गिनेंगे, कौन से वर्ड में गिनेंगे? मैप में जो आप कुछ लेबलिंग करोगे, वो कौन से वर्ड्स में गिना जाएगा, समझ रहे? इसीलिए टोटली मना है, एस्से में नहीं करना चाहिए. मैम क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए, जैसे मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द वॉर, वॉर के लिए जैसे मान लीजिए हम इंट्रोडक्शन में भी देते हैं मैम, कि जैसे एक फ्लो चार्ट बना दे कि एंशिएंट इंडिया में ये वॉर हुआ, मिडिवल में ये हुआ, मॉडर्न में ये हुआ, फ्यूचर हाँ, में तो ये आप हो. यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, नितिन. व्हाट कैन बी डन, हाउ मेनी वॉर्स द कंट्रीज हैव फॉट विथ वन अनदर, ये क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी नहीं है, व्हाई वॉर्स वर फॉट, ये भी क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन मैम एक है, कनेक्टिंग लिंक के लिए बोल रहे हैं ये देखो चीज मैं बोल. आपको बताऊं, सुने. पहली चीज तो ये है, अगर आप वर्ड्स में लिखोगे तो वो कंटेंट आपका टोटली हिट करेगा क्वेश्चन को. मैप बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, वो उसको डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है, उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. मत करो. ओके एनीथिंग एल्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास यहीं पर, और कल हम फिर से मिलेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे लिखना चाहिए. ओके, ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू.